हेलो क्लास सेवन बेटा, चैप्टर नंबर नाइन पीयर्स ऑफ एंगल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग पार्ट सेकंड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9A के हम क्वेश्चन 9, 10, 11 आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर फाइंड द मेजर ऑफ लेटर्ड एंगल। तो आपको लेटर्ड यहाँ पर दिए गएंगे, ए बी सी पी क्यू आर एस जो भी दे रखा होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला ए पार्ट है हमारा, यहाँ पर ए दे रखा है और इधर दे रखा है आपको ये साइन दे रखा है, ये साइन होता है 90 का। तो इट मीन्स ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो लीनियर पेयर दिखाएगा आपको ये, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180 माइनस 90, यानी ए इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास 90 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आ गया, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। बी पार्ट देखेंगे, ये भी लीनियर पेयर है। तो पी प्लस 108 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। पी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 108, कितना हो जाएगा 10 माइनस 82 हो जाएगा, यह बचेगा 7। तो ये आ जाएगा आपके पास 72। पी की वैल्यू आपके पास 72 आ गई है, ठीक है। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखेंगे, ये भी लीनियर पेयर को दिखाएगा आपको, ठीक है। तो एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 180। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है बेटा 180 माइनस 39, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 10 माइनस 9 1 हो जाएंगे, 7 माइनस 3 4 हो जाएंगे, 141 आपके पास ये आंसर आ जाएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट बिल्कुल इजी है, इसी तरह से करेंगे 7b प्लस 2b, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 180 हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे 9b का वैल्यू 180। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन 9 हो जाएगा बेटा, 9 2 18 होते हैं, तो 20 आपके पास आ गया, 20 डिग्री b का वैल्यू आ गया है, 20 आ गया ना बेटा। चलिए ये हमारा पूरा हो गया है क्वेश्चन। ई पार्ट देखते हैं, ई में आपके पास थ्री एंगल्स बने हुए हैं, 62y और 53। इन तीनों को ऐड करेंगे, 62 प्लस वाई प्लस 53, तो ये हो जाएगा 180 के इक्वल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर है यहाँ पर। और ये आपके पास क्या हो जाता है, वाई प्लस इनको ऐड करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 5 6 11 115 हो गया, इक्वल टू 180 हो जाएगा। y की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 180 माइनस 115, और ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, और 7 माइनस 1 6 65, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास 65 डिग्री आ गई है। e पार्ट भी हम कर चुके हैं। अब देखिए बेटा f पार्ट, b, तीनों एंगल b दे रखे हैं, तो b प्लस b, तो ये 180 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3b इज इक्वल टू 180। और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाने वाली है, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 अपॉन 3, यानी 3 6 18 60 हमारे पास आंसर आ गया बेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया है। इसी के साथ हम जी पार्ट देखेंगे। देखिए 139 और डी मिलाकर लीनियर पेयर हो रहा है, तो डी प्लस 139 इज इक्वल डी प्लस, ठीक है, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी प्लस 139 इज इक्वल टू 180। और d का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 139, d का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाता है, 7 माइनस 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, 8 माइनस 3 7 बचेगा, 7 माइनस 3 कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 41 डिग्री आपके पास d का वैल्यू आ गया है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके आप बेटा राइट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास 49 सी को देखना है, सी प्लस 49 ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 49, ये हो जाएगा सी की वैल्यू 131 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 131 डिग्री। तो ये भी कंप्लीट हो गया पार्ट हमारा। और एच पार्ट देखते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये 90 दे रखा है बेटा, ठीक है। तो ये इधर एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इधर का टोटल 90 हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, 90
प्लस 65 प्लस जी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। यस, जी प्लस 55 को 90 लिख सकते थे, दोनों तरीके से हो जाता। तो ये हो जाएगा आपके पास 155 प्लस जी इक्वल टू 180। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 में से 155 कर देंगे माइनस, और ये आ जाएगा जी का वैल्यू आ गया है 25, जी 25 आ गया बेटा। ठीक है, इसी में आपको एक चीज़ और देखी है, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन थी, एक 90 दे रखा है, एक 32 रखा है, तो 32 प्लस एफ है ना, और प्लस 90, ये 90 का एंगल है इधर, ठीक है, तो 90 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 180, और माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये इनको ऐड कर लो आप बेटा, ये दो जो कितने हो जाएंगे 122 हो जाएंगे। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 माइनस 2 8 आ गया, और यहाँ 7 माइनस 2 5 आ गया, 58 हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं बेटा, ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 9th, और 10th क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड, आपको इस ये जो फिगर दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है, बी फाइंड करना है अगर वैल्यू हो आपके पास ए की 110। तो आप देखिए ये एक पॉइंट पर बने एंगल हैं, और एक पॉइंट पर बना हुआ जो एंगल होता है उनका जो सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू 360 लिखेंगे, ए आपको 110 दे रखा है, प्लस बी लिखेंगे इक्वल टू 360। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 माइनस 110, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, 250 हमारे पास बी का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा बी पार्ट देखते हैं। चलिए बी पार्ट में आपको दे रखा है बी फाइंड करना है, और ए की वैल्यू है 1 1/4 राइट एंगल। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ए का वैल्यू जो है 1 1/4 राइट एंगल को क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू आप सही करके लिख लीजिए 1 1/4 राइट एंगल का मतलब 90 होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1 4 1 4 1 5 5 1 4 इंटू 90। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से कट कर लीजिएगा 45, ये हो जाएगा 5 5 25 5 4 20 2 2 5 2, इतना आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 1 2 1 2 2 0.5, ठीक है, 112.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब सीधा सीधा आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 360 लिखिएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 360 लिखने के बाद आप बी का वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू आ जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे मैंने अभी ए पार्ट में आपको कराया था, सेम बिल्कुल इसी तरह ए फाइंड आउट करना है बिल्कुल ए की तरह, और बी आपको दे रखा है, तो ए प्लस 258 इक्वल टू 360 लिखेंगे, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू बेटा 360 में से 258 को माइनस कर देंगे, और माइनस करके आप निकाल लीजिएगा आंसर, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको माइनस माइनस करना है, तो कुछ कैलकुलेशंस आपको भी करनी चाहिए, इसलिए मैं इसको माइनस करने से छोड़ रहा हूँ। इसी तरह आपको यहाँ पर बी फाइंड करना है, बी माइनस 3 ए की वैल्यू 40 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या काम कीजिएगा, यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे हमारे बी की वैल्यू वहाँ फाइंड आउट हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये जो रिलेशन दे रखा है, तो इससे आप क्या करेंगे, 3a इज इक्वल टू बी माइनस 40 कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या वैल्यू बन जाती है, या फिर बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी की वैल्यू इससे अगर हम निकालने लगे तो बेटा बी इजी रहेगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 3a, ये इजी हो गया। तो अब आपके पास क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 360 है। ठीक है, तो आपके पास ये सारी वैल्यू बन जाएगी किस में, ए में बन जाएगी, तो ए प्लस बी की वैल्यू 40 प्लस 3a इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा बेटा, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, जब ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो वो ए की वैल्यू आप ये जो गिवन रिलेशन है
इसमें रख दीजिएगा b माइनस 3a इक्वल टू 40 में, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आप पार्ट कर लेंगे बेटा, अगर आपको नहीं आएगा समझ में और आपसे नहीं होता तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी यहाँ पर कुछ आपको एंगल दिए गए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए में देखिएगा सभी एंगल्स का सम 360 कर देते हैं, एक पॉइंट पर बने हुए एंगल हैं। तो 70 प्लस 60 प्लस ए इज इक्वल टू 360 लिखेंगे, ये 130 हो जाएगा। 130 प्लस ए इक्वल टू 360, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 में से 130 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 230। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई। बी वाले में आप क्या करेंगे, बी वाले में भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ हिंट बता रहा हूँ, आंसर आप खुद निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा बी प्लस 125, ठीक है, तो 180 लगा दीजिएगा। और नीचे वाले में नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन दे रखी थी, लेकिन आप इस तरह मत कीजिएगा, जब सब एंगल दिए हैं तो उसका यूज़ कीजिएगा। तो बी प्लस 125 प्लस 110 और प्लस 59, इसकी वैल्यू आप लिखिएगा 360। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अब इस रिलेशन को देखकर आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये 125, 110 और 59 को ऐड कर लीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा, 360 में से बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सी पार्ट में देखिए बेटा, सी पार्ट में आपके पास क्या है, ऊपर दोनों 90-90 दे रखे हैं, ये 5c और 4c दे रखे हैं। तो आप क्या क्यों कीजिएगा, 4c प्लस 5c प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360, ऐसे भी कर सकते हैं, और 5c प्लस 4c को हम 180 भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9c प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पर 9c की वैल्यू आपके पास 180 आ जाएगी और c की वैल्यू 180 अपॉन 9 यानी 20 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसका जो d पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सभी को ऐड करके 360 कर देना है। कैसे करेंगे, डी प्लस डी की वैल्यू चाहिए आपको, डी तीन बार है, डी प्लस डी प्लस डी और प्लस 62 प्लस 62, ठीक है, प्लस 105 इज और प्लस 47 इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है, और इन सब को ऐड करेंगे 3D हो जाएगा, 3D प्लस जितने भी नंबर्स हैं इनको ऐड कीजिएगा, प्लस इतना आ जाएगा इक्वल टू 360। और फिर जो भी इसको सॉल्व करके आप डिजिट्स आएंगी हाँ, तो वहाँ से डी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने हिंट आपको बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन के फुल सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। तो इस एक्सरसाइज के जो ये क्वेश्चन मैंने आपको आज 9, 10 और 11 कराए हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं, नीट एंड क्लीन राइट करने हैं अपनी नोटबुक में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जरा सी भी प्रॉब्लम लगती है किसी क्वेश्चन में, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।